जो जो इस साल के इम्पोर्टेंट एरियाज में है, इफ यू लुक एट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वेयर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फॉर दिस ईयर एग्जाम, बट अगेन आई हैव सेड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ माय क्लास दैट एक एरिया जो मुझे लग रहा है जो काफ़ी आजकल न्यूज़ में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के एग्जाम के लिए। और ये केवल इस बार के एग्जाम की बात नहीं है, यू कुड गेट क्वेश्चन इवन इन द 2024 एग्जाम ऑल्सो, बिकॉज AI ऑलवेज कम्स इन न्यूज, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग ऑन दिस, व्हाट डू मीन बाय AI? वर्स इज सेइंग दैट कि इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन अपने आप काम करेगा। मशीन लर्निंग बाय एल्गोरिदम, ट्रायल एंड एरर, ओके, मैं समझाता हूँ, मैं आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, A to Z जितने भी चीजें, नाउ अंडरस्टैंड हियर। इफ यू टेक अ मैन एंड मशीन, एनी मशीन यू टेक देयर, ठीक है, मैन एंड द मशीन, तो नाउ इफ यू लुक एट मैन, ह्यूमन, हाउ वी थिंक, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको एक टास्क दूं, इस क्लासरूम से फ्रॉम हियर यू हैव टू रीच फर्गुसन कॉलेज, दैट स्ट्रीट लाइट, मेन लाइट, लेट्स अ कैफे गुड लक, इन 5 मिनट्स, हाउ डू रीच? यहां से 5 मिनट पहुंच रहे गुड लक तक, तब तक मैं तो कितना सेकंड निकल जाएगा, 5 मिनट के अंदर पहुंचना है। कैसे जाओगे? व्हीकल, विच व्हीकल यू टेक? कार, फिर आप फंस गए तो वहां पर सुपर बाइक, लेकिन वो सुपर बाइक कहाँ से लाओगे आप? जब तक उसको ऑर्डर करो 15 मिनट में तो आएगा आपको लेने के लिए। बाय माइंड? नहीं नहीं, जाना है फिजिकली, यू टू गो बाय माइंड, नहीं फिजिकली जाना है, सपने में नहीं जाना है, फिजिकली जाना है। रिक्शा लोगे आप? रिक्शा लोगे, ठीक है, या हो सकता है आप में बहुत अच्छे दौड़ने वाले, कोई दौड़ के भी जाएगा, है रनिंग, रन करके जाना है, दौड़ते रहो। अजय अजय, सी दिस इज कॉल्ड ह्यूमन थिंकिंग, डिड यू अंडरस्टैंड? इसको बोलते ट्रायल एंड एरर, कि इफ आई गो बाय दिस मेथड आई विल नॉट रीच इन 5 मिनट्स, लेट मी ट्राई आउट द अनदर वन, इफ दिस इज नॉट वर्किंग आई विल ट्राई आउट दिस अनदर वन, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन थिंकिंग, राइट? सो इफ यू लुक एट ह्यूमन थिंकिंग, वी हैव दिस वन ट्रायल एंड एरर, वी डू दैट, ये इंसान सीखता है ना, हम कुछ गलत करते हैं, सीखते हैं, फिर करते हैं, फिर गलत करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर करते हैं, यही है ना ह्यूमन थिंकिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, मशीन वो नहीं करता है, कंप्यूटर और मशीन वैसा नहीं करता है, मशीन जो है ये वर्क करता है सेट ऑफ रूल्स, जिसको हम कहते हैं एल्गोरिदम, एल्गोरिदम होता है। और जब ट्रायल एरर बोलते हैं, इसको कहा जाता है ह्यूरिस्टिक, है ना, दिस वर्ड इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक। अब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यू विल अंडरस्टैंड फॉर एवर इन योर लाइफ, फिर आपको कभी जिंदगी में मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, कहीं टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है? तो मशीन जो है उनको एक एल्गोरिदम दिया जाता है, सेट ऑफ प्रोसीजर होता है, उसी को वे एग्जीक्यूट करता है वन बाई वन, जबकि इंसान का जो दिमाग और प्रॉब्लम होता है वो सेट ऑफ रूल पर नहीं फॉलो करता है, रैंडमली जाता है, अलग अलग राय से सोचता है, ट्रायल एंड एरर करता है, ठीक है? अब अगर हम इस एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर को ट्रेन कर दें कि वो भी ऑल्टरनेटिव में सोचने लगे, इंसान क्या करता है, ऑप्शंस देखता है ना? अगर हम सॉफ्टवेयर को ऐसा बना दें कि उसमें जो रूल है वो एक डायरेक्शन नहीं मल्टीपल डायरेक्शन जाता है, ऑप्शन देता है उसको, तो वो क्या हो जाएगा? AI, दैट इज कॉल्ड AI, राइट? इफ दिस गेट, कहने मतलब है अगर हम इसको ऑप्शंस दे दें, तब हम धीरे धीरे इसको AI की ओर ले जाएंगे। इसीलिए आजकल आप जानते हो पाइथन, सुने पाइथन लैंग्वेज होता है,
आजकल ट्रेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो उसको डेवलप करते हैं, ठीक है ना। अनदर थिंग, मैन और मशीन में क्या अंतर है? सेंसेस, सेंसरी ऑर्गन्स। वी स्पीक, वी अंडरस्टैंड, वी सी, वी हेयर। मशीन में तो नहीं होता ना। अगर हमने मशीन में ये डाल दिया जो इंसान में है, तो मशीन भी इंसान जैसा काम करेगा। तो यहां पर क्या होता है? यहां होता है सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स। और इसी में एक चीज होता है, क्या चीज होता है यहां पर? ये चीज जो है सॉफ्टवेयर होता है, रिकॉग्निशन। जैसे आपने देखा बायोमेट्रिक, क्या करता बायोमेट्रिक? फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्नाइज करता ना, विजुअल, कई बार टेक्स्ट रिकॉग्निशन होता है। अब जैसे गूगल है, टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करता है। तो अगर हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो कि रिकॉग्निशन में हेल्प करे, तो वो AI हो जाएगा। AI यही करता है ना। अगर हम ऐसा चीज करें जो वॉइस को समझ जाए, ठीक है, अनदर थिंग। तो मैं एक एक करके आपको सारे कंसेप्ट में ले जाऊंगा मैं। तीसरा चीज है, बच्चा जब होता है, जन्म लेता है, कैसे बोलना सीखता है? पहला वर्ड क्या होता है? माँ, 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 वन लीटर, वही है ना, बच्चा ये होता ना, एक लीटर। उसके बाद वो वर्ड बनाना सीखता है, ये सकती है ना, वर्ड बनाना सकती है, बना सकते हैं, है ना। तो उसमें वर्ड वर्ड बनना चालू होता है, लेटर से वर्ड होता है, फिर वर्ड से क्या होता है? सेंटेंस होता है, राइट। नाउ टेल मी, अ चाइल्ड हु इज बॉर्न इन महाराष्ट्र इन अ मराठी फैमिली विल लर्न मराठी। अब उसी मराठी फैमिली का कपल वो यहाँ नहीं रह के दिल्ली में, वहाँ पर पूरा हिंदी बोले, तो बच्चा क्या बोलेगा? हिंदी। अब वही बच्चा, वही मराठी फैमिली शिफ्ट टू USA एंड एवरीथिंग टॉक इन इंग्लिश, तो बच्चा क्या बोलेगा? इंग्लिश। ये है ना लैंग्वेज। तो यहाँ जो नेक्स्ट जो आता है ये चीज़ है, लैंग्वेज लर्निंग जो होता है। अब यहाँ एक वर्ड आता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको कहते हैं NLP, कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, ChatGPT इज बेस्ड ऑन NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, द वे ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस द लैंग्वेज। अभी इसी में क्या और एडवांस लेवल आ रहा है? द मोर एडवांस हियर इज कमिंग MLP। व्हाट इज MLP? मल्टीपल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे यू नो समटाइम वी नो मराठी, हिंदी, इंग्लिश, वी लर्न 3 languages, समटाइम वी कैन लर्न 5 languages। इफ द सॉफ्टवेयर कैन बी ट्रेन्ड टू लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस, दैट इज ह्यूमन, दिस आर ह्यूमन ना। द वे वी लर्न लैंग्वेज होता है ना, स्कूल में जापनीज सिखाया जाता है ना, कई लैंग्वेज होता है। एक देखो, एक तो थर्ड लैंग्वेज सिखाते हैं कि आपको यहाँ पर, आप जैसे पुणे में, तो मराठी, इंग्लिश, हिंदी होगा, ये थर्ड लैंग्वेज है। और कई बार स्कूल में ऑप्शन होता है जैपनीज, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, वो चौथा लैंग्वेज हो गया, यही है ना। और बच्चा सीखता है ना, सीखता है, सेम एबल्स मशीन कैन डू, राइट। तो दैट विल बिकम AI। AI का मतलब ये चीज़ है, राइट। तो यही चीज़ किया जा रहा है कि मशीन को स्मार्ट बना रहे हैं। किसके थ्रू बना रहे हैं? सॉफ्टवेयर। तो पहला चीज़, फर्स्ट थिंग, AI इज नॉट रोबोटिक्स। नो, AI इज नॉट अ रोबोट। AI इज नॉट रोबोटिक्स। AI इटसेल्फ इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एंड AI कैन बी, यू कैन से AI इज यूज इन रोबोटिक्स, लाइक सोफिया। सोफिया कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। सोफिया एज ए ह्यूमनॉइड रोबोट कैन हियर सेंसर्स, अंडरस्टैंड लैंग्वेज, कैन, सी कैन स्पीक ऑल्सो इन दैट लैंग्वेज। तो दैट इज अ एप्लीकेशन ऑफ AI, उसका AI का एप्लीकेशन है, ठीक है।